हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम बीटेक फर्स्ट ईयर के 1 मंथ स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। बेस्ट मार्क्स के लिए, गुड मार्क्स आपको मिले, इसके लिए 1 मंथ की स्ट्रेटेजी है। सो बेसिकली ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आपको पता है सारी ब्रांचेस का जो सिलेबस है सेम रहता है, और इसमें हम सारी टिप्स और ट्रिक्स को कंटेन करेंगे जो कि एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों के लिए होंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको ज्वाइन करें और सारे ही सब्जेक्ट के नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, जो सिलेबस है बीटेक फर्स्ट ईयर का, वो इससे प्रीवियस ईयर में चेंज हुआ था। बी सीरीज का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले के सीरीज था। तो आपको सिलेबस की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप साइट पर जाकर 2022-23 का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज वो ही आपका सेम 23-24 में चल रहा है। एंड बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की डेट शीट आप देख सकते हैं। आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे वो आपके 26 फेब टू 2 मार्च के बीच में होंगे 2024 में। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है वो अपने प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट के कौन सी डेट को कराता है। एंड वन मोर थिंग, आपके अभी अप्रोक्स 1 मंथ है, मोर देन 1 मंथ ही है। सो पहला जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। अगर आप फिजिक्स बेस्ट से है तो फिजिक्स का, या फिर केमिस्ट्री बेस्ट से है तो केमिस्ट्री का। इसका आपका 13 मार्च को है। एंड देन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, मैथ्स 1, ये सबके लिए कॉमन होता है। एंड फोर्थ सब्जेक्ट है पीपीएस एंड फंडामेंटल ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। एंड फिफ्थ है आपका ईवीएस एंड सॉफ्ट स्किल। सो ये आपके 13 टू 22 मार्च विद इन 10 डेज ही आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे। गैप भी इसमें काफी मिनिमल गैप है। मैं आपको एडवाइस करूंगा अभी से बिल्कुल तैयारी करें। एंड स्ट्रेटेजी में आपको कुछ बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, आपने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो भी आप अभी गुड मार्क्स अचीव कर सकते हैं एकेटी यूनिवर्सिटी में। बिकॉज सी, एकेटी यूनिवर्सिटी थोड़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आप अभी अपने स्कूल से कॉलेज में आए होंगे तो काफी डिफरेंट है ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप 1 मंथ में इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। फर्स्ट स्टेप है मिनिमाइज यूज ऑफ स्मार्टफोन। अगर आप अभी भी स्मार्टफोन का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं, तो उसको प्लीज 1 मंथ के लिए मिनिमाइज किए, ओनली 1 मंथ के लिए। रीजन बीइंग के स्मार्टफोन पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, उसको यूटिलाइज करिए इस वे में कि सिर्फ आपको एक प्रोडक्टिविटी मिल सके, राइट। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना तो उसके लिए यूज करिए, या फिर कोई स्ट्रेटेजी वीडियो है उसके लिए यूज करिए। अननेसेसरी यूज और रील्स एंड शॉर्ट्स वाले जो यूज होते हैं गेमिंग वगैरह, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए रिड्यूस कर दीजिए, ओके। ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। सेकेंड है फोकस ऑन क्लास एंड इंटरनल्स। सो बेसिकली अगर आपकी अभी भी क्लासेस चल रही हैं तो उस पर फोकस करो। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट जो टीचर है हमारे, वो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ाते हैं और रिवीजन भी करवाते हैं, तो उस पर आप फोकस करिए। सेकेंड थिंग, जो आपके इंटरनल्स होते हैं, पीयूटी वगैरह, सेशनल्स वगैरह होते हैं, उनको आप ऑनेस्टली दीजिए, बिकॉज उसमें इजिली चीटिंग हो जाती है। हमारे हमारे टाइम पे भी काफी आसानी से फोन वगैरह से चीटिंग हो जाती थी, तो इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो, बिल्कुल ऑनेस्टली आपको देने हैं। रीजन बिंग मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेरा एक सब्जेक्ट था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक के मैप निकालना था, तो फर्स्ट मेरा जो सेशनल हुआ उसमें मैंने वो गलत निकाला। जो मेरा सेकंड सेशनल हुआ मैंने उसमें भी उसको 50% हद तक गलत निकाला, डॉन के कंडीशन वगैरह का इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन मेरा सिमिलर वो ही क्वेश्चन, क्योंकि टीचर्स को काफी एक्सपीरियंस होता है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पीयूटी और सेशनल में डालते हैं, तो सिमिलर वो ही क्वेश्चन आया और मैंने उसे एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं किया। वन मोर थिंग, आपको ये इंटरनल्स पे भी काफी फोकस करना है, ऑनेस्टली देने। काफी अभी कॉलेजेस में इंटरनल्स नहीं हुए होंगे तो कोशिश करो आप उनको ऑनेस्टली दो। थर्ड थिंग जो आपकी फोकस करेगी, हेल्प कराएगी, किसमें? प्रैक्टिकल्स में। जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग रखो। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं एकेटीयू में टोटली टीचर के ही कंट्रोल में होते हैं, वहीं से उनको एग्जाम में जो है मार्क्स उन्हीं के द्वारा मिलते हैं। तो जो आपके 30 मार्क्स हैं वो इजिली आपको मिल जाएंगे। टीचर्स के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रखो,
वन मोर थिंग, आपके 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 70 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है। एंड अगर इस पे आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको जो 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है उसमें आंसर राइटिंग कैसे कर रही है, क्योंकि देखो आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले, 32 पेजेस की कॉपी आएगी, और उस कॉपी को कैसे फिल करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और वेल क्राफ्टेड आपको स्कोर कैसे लेने, अच्छे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना, अपनी आंसर कॉपीज को कैसे प्रेजेंट करना है, तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ हमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पेज पे आपकी एंट्रीज ओएमआर शीट होती है उसको कैसे फिल करेंगे, आपके लिए एक्सक्लूसिव में एक उसकी फोटो भी अटैच करूंगा, उसमें आपको सब एंट्रीज फिल करके दिखाऊंगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कितने पेजेस में कवर करना है, 7 मार्क्स को कितने पेजेस में कवर करना। सो बेसिकली उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जरूर बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड नेक्स्ट फोर्थ इंपोर्टेंट थिंग है नो चीटिंग इन एग्जाम। सो बेसिकली आप किस एनवायरमेंट से आए हो वो अलग चीज है, लेकिन अब AKTU यूनिवर्सिटी आपको चिट्स यूज नहीं करनी, बिकॉज देखो एक स्पेसिफिक वो होता है UFM करके, अनफेयर मीन्स अगर ये किसी स्टूडेंट का लगता है उसकी चिट चीटिंग्स पकड़ी जाती है तो उसको उस सब्जेक्ट में बैक लग सकती है, और इवन कई बार क्या होता है कि पूरे सेमेस्टर में भी बैक लग जाती है। सो इसको आप प्लीज अवॉइड करना। एंड अब जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, ये तो आपके जनरल पॉइंट थे, ये तो आपको कोई भी बता सकता है, राइट। अब जो मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 1 मंथ बचे हैं, अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन मत लो, अब भी आप अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आप इजिली अच्छे मार्क्स, एक डिसेंट मार्क्स ला सकते हो, राइट। सो वन थिंग आपकी क्या है, ट्राई टू डू 3 फुल यूनिट्स। सबसे पहले आपको पता 5 यूनिट्स होती हैं, कम से कम 3 यूनिट को अच्छे से करो, पूरा करने की कोशिश करो। कई बार नहीं भी हो पाता तो उसमें मैं आपको एक गाइडेंस और देता हूं, हर सब्जेक्ट की पहली यूनिट आपने होपफुली कर भी ली होगी अब तक, अगर नहीं करी तो हर सब्जेक्ट की पहली यूनिट सबसे पहले करो, 2 या 3 दिन दो इसको, ओनली 2 या 3 डेज में हर सब्जेक्ट की, क्योंकि सब्जेक्ट ही कितने यार, 5 सब्जेक्ट हैं आपके और इजिली हो जाएंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट तो आपके टोटल थ्योरी है, ये आपके इजीली हो जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपको सबकी अच्छे से करनी है, 2 या 3 दिन मैक्स देने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको सब सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, राइट। सेकंड थिंग, आपको ये देखना है कि सबके अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकता है, ये आपको ये देखना है कि आपको अदर 2 यूनिट फर्स्ट यूनिट के करने के बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूनिट बचे इसमें से 2 आपको कौन सी आसान लग रही है। हो सकता है किसी का न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग हो, किसी का थ्योरिटिकल पार्ट स्ट्रांग हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखो और बाकी 2 यूनिट को और अच्छे से कवर करो, कोशिश करो पूरा कवर करने के लिए, बिकॉज 1 यूनिट से अप्रोक्स 24-25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 30 का भी आ जाता है, तो उसके लिए आप देखो क्योंकि आपको मार्क्स 70 में से कितने चाहिए, सिर्फ 21 चाहिए पास होने के लिए, तो 2 यूनिट भी 3 यूनिट भी आप अच्छे से कर लोगे तो आप एटलीस्ट एक डिसेंट मार्क्स अटेन कर पाओगे। सो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, पहले फर्स्ट यूनिट सबकी 2 या 3 दिन में सब सब्जेक्ट की कवर कीजिए, बाकी कोई भी 2 यूनिट हो सकता है आपको थर्ड आसान लग रही हो, फिफ्थ आसान लग रही हो, क्योंकि दोनों थ्योरी है, तो इनको कवर कीजिए। अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है तो 2 एंड 4 को कीजिए, 3 यूनिट आपकी कंप्लीट कर लीजिए, राइट, एग्जाम से पहले, बिकॉज एग्जाम के बीच में गैप काफी कम है, उस टाइम आप रिवाइज कर रहे हैं और 1-2 यूनिट जो आपकी बची है उनमें फोकस करें, राइट। एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अब इससे आप पास तो हो जाओगे इतना करने से, लेकिन सिर्फ आपको पास नहीं होना, एक अच्छे बेस्ट जो आप दे सको बेस्ट देना है, और गुड मार्क्स आपको लेने हैं। तो गुड मार्क्स के लिए वन मोर थिंग आपको माइंड में रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें। सी 6 पॉइंट में फर्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ABESIT की एक लाइब्रेरी है, उसकी भी मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज आप याद रखना कि इसका जो एग्जाम है इस कोड के साथ, बी सीरीज के साथ, ये सेकेंड टाइम एग्जाम हो रहा है, तो थर्ड टाइम सेकेंड टाइम एग्जाम हो रहा है, तो इसके आपको इस कोड के कम मिलेंगे, के सीरीज के कोड के ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वहां से आप इसको रेफर भी कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वन मोर थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट कि आपको देखो सिलेबस काफी ब्रॉड है और चीजें आपको एक्सेजरेट भी नहीं करनी है, इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन लास्ट में, ये बात याद रखना, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले, क्योंकि
इंपोर्टेंट क्वेश्चन रीसेंट ट्रेंड्स को एनालाइज करके बनाए जाते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर करिएगा। आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के, इंपोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के मिल जाएंगे। मेरी एकेट्यू में प्लेलिस्ट है, आईटेक वर्ल्ड में ही चैनल में ही प्लेलिस्ट है, सो उसमें एक बार फॉलो करना। ये पुराना सब्जेक्ट कोड भी है इसमें, KAS जिनकी बैक है उनके लिए, और न्यू सब्जेक्ट कोड है बी सीरीज का, BAS करके, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और देखो आपको सारी टॉपिक करने की कोशिश कर रही है, बट ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं ताकि आपके मार्क्स जो है और अच्छे आ सके। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए आपके, इंपोर्टेंट हो गए। अब लास्ट आता वन शॉट, सो वन शॉट आप रेफर कर सकते हैं एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट का, या फिर रिवीजन के लिए, एज अ रिवीजन आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा सारी 5 यूनिट का वन शॉट करो, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि EVS है, सॉफ्ट स्किल्स है आपके पास, तो इनका आप क्या करते हैं वन शॉट रेफर कर सकते हैं। और मोर ओवर बात करूं तो PPS का भी, FME का भी वन शॉट रेफर कर सकते हैं। सो बाकी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें मैं कहूंगा आपको टेक्निकल फिजिक्स का चैनल फॉलो कर लीजिए। केमिस्ट्री है, इसमें अमित सर का है, एक मैम और है उनका चैनल है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसी सेपरेटली चैनल है। मैथ्स 1 की बात करूं तो, अगर चैनल की बात करूं स्पेसिफिकली, तो PLS इनोसेंट मैथमेटिक्स है, मोनिका मित्तल मैम का है। PPS का मुझे एज सच आइडिया नहीं है, बिकॉज इसमें क्या आप वन शॉट रेफर कर सकते हैं, गेटवे क्लासेस के काफी अच्छे वन शॉट है। तो देखो सबका नहीं, लेकिन PPS का तो एटलीस्ट फॉलो कर लेना। EVS सॉफ्ट स्किल्स में, EVS में आपको हमारी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल की, तो हाफ एन आवर में आपकी 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और एज सच कोई इंपोर्टेंट सब्जेक्ट भी नहीं है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इसमें आप वन शॉट फॉलो कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि 3 यूनिट आप अच्छे से करना किसी प्लेलिस्ट को फॉलो करके, तो हो जाएगा। इतना एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये 6 पॉइंट आपको रिमेम्बर रखने हैं, राइट। वन मोर थिंग, आपको कॉपी कैसे भरनी है, मतलब एक तो होती है उसकी पहली एंट्रीज कैसे भरनी है, दूसरा उसका होता है सेकंड 32 पेजेस है, कितने पेजेस आपको मिनिमम फिल कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, और AKTU सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर रही है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। गुड मार्क्स कैसे लाने हैं कॉपीज लिख करके वो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और फर्स्ट पेज जो आपने अभी तक कॉपी नहीं देखी होगी उसका मैं आपको फोटो भी अटैच करूंगा, उसको फिल भी कराऊंगा, उसकी PDF है मेरे पास, राइट। और वन मोर थिंग आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि नोट्स, आपको नोट्स ऑलरेडी प्रॉपर नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा एक क्रिस्प नोट, या फिर ऐसे लिख सकते हो एक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि अभी टाइम है उसमें आप बना सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में एक वेल क्राफ्टेड नोट्स हैं जो कि आपको गुड मार्क्स के लिए हेल्प करेंगे, तो उसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट की पॉइंट्स। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो बार 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 क्वेश्चन आए उनको भी आप अटैच कर सकते हैं उसी नोट्स में, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स होंगे आपके पास, तो आप जो AKTU में आंसर लिखेंगे तो उसको एकदम कंक्रीट पॉइंट्स बना करके लिख सकते हैं, एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना करके लिख सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करना, बिल्कुल मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस पर। एंड वन मोर थिंग, मैंने मैथ्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया, मैथ्स का मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकली। मैथ्स 1, देखो 1 मंथ मैथ्स के लिए एडुकेट टाइम नहीं है, मैं ये बात बोलूंगा, लेकिन इनएडुकेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 मंथ में मैथ्स 1 हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी रैंडम चैनल है, PLS इनोसेंट मैथमेटिक्स है, दूसरा मोनिका मित्तल मैम का चैनल है, और वैभव जैन सर का चैनल है, तो इसमें आप किसी भी एक को पकड़िए, मैं ये नहीं कह रहा तीनों को देखिए, किसी भी एक को पकड़िए, प्लेलिस्ट भी प्रॉपर फॉलो करिए। बेस्ट PLS इनोसेंट मैथमेटिक्स है। बाकी आपका ट्यूनिंग किसके साथ बैठती है, कौन से यूट्यूब चैनल के साथ बैठती है वो देखो, बट मैथ्स 1 भी इजीली हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आपको टाइम शेयरिंग करनी पड़ेगी सब सब्जेक्ट के साथ, इसके फिजिक्स के साथ आपको टाइम शेयरिंग करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल के साथ, PPS और EVS के साथ एज सच कुछ नीड नहीं है, लेकिन मैथ्स 1 के साथ आपको टाइम शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसको आपको डेली एटलीस्ट 1 से 2 आवर देने ही पड़ेंगे, बिकॉज मैथ्स 1 इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, राइट। एंड होपफुली मैंने आपके सारे पॉइंट कवर कर दिए हूँ,
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप हमारी प्लेलिस्ट में से चेक करें, बी सीरीज के, राइट, BAS सीरीज के जो है, क्योंकि के सीरीज के आपके ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बैक है। एंड आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि सारी चैनल की मतलब सारी सिलेबस की जो सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, AKTU के अपडेट्स हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की एक पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, AKTU की अपडेट्स और फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब आपको इसमें मिल जाएंगे, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपकी हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा, तो आप कमेंट में कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आईटेक वर्ल्ड नोट्स के नाम से है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पे सारी प्लेलिस्ट की डायरेक्ट लिंक है एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक लिंक मिल जाएगी और वहां पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड 1 मंथ बचा है, सो बेस्ट ऑफ योर लक एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।